अब क्या फायदा, मुंह लटका के बैठ गया। पहले सोचा होता तो आज का ये दिन ना देखना पड़ता। सोसाइटी में मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। अपना फ्यूचर तो खराब किया क्या, और हमारी जिंदगी भी बर्बाद कर दी इसने तो। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते चाचा जी, कैसे हैं आप? हां बेटा, खुश हूं। नमस्ते। कैसे राहुल भाई? बैठो बैठो बैठो। क्या हुआ, आप सबको इतना परेशान क्यों हैं? वरुण सिर्फ 65% मार्क्स लेके आए हैं, नालायक डफर। 12th में सिर्फ 65% मार्क्स, कहीं का नहीं छोड़ा तूने। शर्मा जी के बेटे के 95% मार्क्स आए हैं। अरे देखो कैसे शर्मा जी चौड़े होकर घूम रहे सोसाइटी में, कहीं का नहीं छोड़ा इसने, ना कटवा के रख दी। मम्मी पापा आई एम सॉरी, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी। मार्क्स ही डिफाइन करते हैं किसी की लाइफ को। अब किसी अच्छे कॉलेज में इसको एडमिशन नहीं मिले, ना कोई जॉब मिले, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है इसको सोच सोच के कि इसका भविष्य क्या है। चाची जी प्लीज बस कीजिए, मार्क्स मार्क्स मार्क्स, अरे मार्क्स के अलावा भी जिंदगी है। इंसान की लाइफ और उसका कैरियर, उसका पैशन डिसाइड करता है, उसके मार्क्स नहीं। अरे चाची जी आप इसको इतना बुरा भला सुना रहे हैं, इसको इतना तोड़ रहे हैं, अगर इसने अपना कुछ कर लिया तो। आपको पता है कितने बच्चे सुसाइड करते हैं 12th के बाद, और सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उनके घर वाले उन पर इतना प्रेशर डालते हैं। अगर आप लोग उनके पैशन को सपोर्ट करें ना, तो आप देखिए वो आपको कुछ बन के दिखाएंगे। जो शर्मा जी और शर्मा जी के बेटे की आप बात कर रहे हैं ना, वो रोज उसको बुलाते हैं अपना कंप्यूटर अपना इंटरनेट ठीक करने के लिए। राहुल को भेज दीजिए, मुझे इंटरनेट की हेल्प चाहिए। तो हर एक का टैलेंट अलग होता है, आप किसी बच्चे को किसी के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं? जिसका पैशन कंप्यूटर्स में है तो आप इसको कंप्यूटर्स करने दीजिए, और फिर देखिए वो आपका और अपना नाम कैसे रोशन करता है। तो ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूट है जो इसको एडमिशन देगा और फिर बाद में जॉब की भी गारंटी देगा? जी ऐसा इंस्टीट्यूट है जो समझता है कि स्टूडेंट्स का करियर उसके मार्क्स डिफाइन नहीं करते, उसका पैशन डिफाइन करता है। इंस्टीट्यूट का नाम है जेट किंग। ये ग्रेजुएट्स और अंडर ग्रेजुएट्स के लिए कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं विद 100% जॉब गारंटी, और ये फ्री कंसल्टेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके लिए आपको सिर्फ एक फॉर्म भरना है। अरे वाह। ये स्मार्ट लैब टीचिंग मेथड यूज करते हैं। इनके जो कोर्सेज हैं वो स्पेशलाइज्ड हैं आईटी और नेटवर्किंग में। इनके कोर्सेज 60% प्रैक्टिकल होते हैं। ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं, और ये फीस के लिए बैंक लोन भी प्रोवाइड करते हैं। मम्मी मेरा एथिकल हैकिंग में बहुत पैशन है, और पता है इससे मैं दूसरों की हेल्प भी कर सकता हूँ। ओ यार फिर जाम हो गया ये। हेलो। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार जी शर्मा जी। राहुल के 12th में कितने परसेंट मार्क्स आए? हाँ हमारे बेटा है ना, उसके 95 आए हैं। राहुल की 65% आई है 12th में। उसको भेजोगे? मुझे कंप्यूटर की हेल्प चाहिए, मुझे बहुत अर्जेंट काम करना है। अच्छा जब वो यहाँ है ना तो कहना जरा मेरे बेटे को भी समझा देगा, तो उसको कुछ समझ ही नहीं आता है कंप्यूटर के बारे में। मुझे बहुत प्राउड है अपने बेटे पे, वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू जी। अच्छा राहुल बेटा, शर्मा अंकल ने बुलाया, उनका कंप्यूटर ठीक कर रहा है, और वो कह रहे थे उनके बेटे को भी कुछ सिखा देगा। हाँ अभी जाता हूँ। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जो गलती हमने की वो आप गलती दोहराएं ना। आप अपने बच्चे को कभी भी किसी दूसरे के साथ कंपेयर ना करें। हर एक बच्चा यूनिक होता है। आप अपने बच्चे के पैशन को पहचानें, उसके टैलेंट को पहचानें, उसके उस पैशन को अचीव करने में उसकी मदद करें, ताकि वो अपना, आपकी फैमिली का और सोसाइटी का नाम रोशन कर सके। थैंक यू सो मच आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि हम सब मिलकर ही ह्यूमैनिटी को इंस्पायर कर सकते हैं। हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, तो हमें आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ आप बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, क्योंकि अब से हम हर वीक न्यू वीडियोज़ डाला करेंगे, ताकि आपको नोटिफिकेशन आए, कोई भी वीडियो मिस ना करें। प्लीज़ प्यार और सपोर्ट देते रहना। थैंक यू सो मच।